hello dear students in this video we will discuss stanza number two of the poem three years she grew the lines are like that i will read out myself will to my darling be both law and impulse and with me the girl in rock and plain

गॉड मदर ऑफ़ लूसी लूसी को अपने बच्चे की तरह प्रकृति स्वयं पालना चाहती है एंड द सेम आइडिया इज़ कंटिन्यूइंग इन दिस स्टेंजा एज वेल नेचर सेज माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी हियर माई सेल्फ स्टैंड फॉर नेचर इट्स सेल्फ नेचर के लिए ही आया है माई सेल्फ नेचर ही कह रही है मै आई विल बी मैं होंगे टू माई डार्लिंग टू माई डार्लिंग डार्लिंग मीन्स सम वन हु इज़ डियर टू अस जो हमें बहुत प्रिय होता है हम उसे डार्लिंग कहकर संबोधित करते हैं सो नेचर हेयर इज सेंग कि मैं अपनी प्रिय के लिए uh, मेरे प्रिय बच्चा जो शी वॉन्ट्स टू अडोप्ट द लूसी एज ओन चाइल्ड शी सेज आई विल टू माई डार्लिंग बी मैं अपनी बच्ची के लिए अपने प्यारे लूसी uh, uh, के लिए वॉट आई शेल बी मैं कैसी होंगी मैं कैसी हाउ एज अ मदर आई शेल बी टू माई डार्लिंग मैं कैसी बनूंगी बोथ लॉ एंड इम्पल्स बोथ यानी दोनों में आई विल प्ले बोथ दी रोल्स मैं दोनों रोल प्ले करूँगी और वो दोनों रोल कौन से हैं लॉ एंड इम्पल्स लॉ मीन्स हम जानते हैं लॉ यानी कोई नियम कानून और कानून बनाए जाते हैं टू रिस्ट्रिक्ट पीपल कुछ काम करने के लिए या न करने की कोई बाध्यता कोई कंपल्शन और रिस्ट्रिक्शन इज़ देअर विच इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू लॉ जो नियम के द्वारा कानून के द्वारा जिसकी बाध्यता की जाती है उसको कंपेल किया जाता है कि ये नियम आपको मानना ही है सो इट इज़ अ काइंड ऑफ चेक इट इज़ काइंड ऑफ डिसिप्लिन तो जिस तरह कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को अनुशासन में रखना चाहते हैं सो दैट दे रिमेन ऑन दी कर राइट पाथ सही रास्ते पर बने रहे उसी तरह प्रकृति भी कुछ नियम लगाएगी कह रही इट सेज दैट आई विल पुट सम लॉ सम रिस्ट्रिक्शन एंड आई विल कीप लूसी इन डिसिप्लिन तो उसे डिसिप्लिन में भी रखेगी और क्या करेगी वो एंड इम्पल्स इम्पल्स मीन्स स्टिमुलस यानी इसको कह सकते हैं कि कुछ uh, कार्य को करने की प्रेरणा यू मे से यू मे से इंस्पिरेशन सो आई विल इंस्पायर माय डार्लिंग लूसी टू डू नोबल थिंग्स एंड आई विल चेक हर फ्रॉम इन डल्जिंग इन इविल थिंग्स बुरे काम को करने से मैं उसे रोकूंगी और अच्छे कार्य को करने के लिए मैं उसे उत्साहित करूंगी

बी इन माई कंपनी मेरे साथ वो रहेगी और कहाँ कहाँ रहेगी इन रॉक एंड प्लेन प्लेन मीन्स प्लेन फील्ड जो समतल मैदान है वहाँ रहेगी एंड इन रॉक रॉक यानी uh, चट्टान और चट्टान कहाँ होती हैं हिल्स एंड माउंटेंस पर तो शी विल बी एवरीवेयर शी विल बी इन माई कंपनी बिकॉज नेचर इज़ एवरीवेयर नेचर सभी जगह है हिल्स एंड माउंटेंस में फील्स पे वैलीज में और आगे भी वर्णन है कि कहाँ कहाँ वो दिस लिटिल गर्ल विल फाइंड नेचर एवरीवेयर विद हर सेल्फ एंड वो कौन कौन सी जगह हैं आगे देखते हैं इन अर्थ एंड हैवन पृथ्वी पर और स्काई मीन्स हैवन यू मीन्स ए स्काई तो

स्थान कुछ एक खुली हुई जगह किसी जंगल में जो होती है उसको uh, ग्लेड कहते हैं बावर एक uh, कुछ छायादार uh, uh, जहाँ कुछ uh, पेड़ों का जो झुरमुट होता है और वहाँ पर कुछ छाया हो जाती है शेडी प्लेस हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड बावर तो शी विल फाइंड मी एवरी वेयर विद हर वेयर एवर शी विल गो वेदर शी इज़ इन ग्लैड एंड बावर अर्थ इफ़ शी इज़ प्लेइंग रोमिंग अराउंड ऑन दी अर्थ और शी इज एंजॉइंग दि ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ दी मिड नाइट स्टार्स शी विल फाइंड मी एवरी वेयर विद हा एंड आगे देखते हैं शेल फील एन ओवर सींग पावर शी यहाँ पर शी आप लिख लेंगे तो और अच्छे से मीनिंग समझ आएगा शी शेल फील उसको महसूस होगा क्या महसूस होगा बिकॉज नेचर इज़ इनविजिबल नेचर का कोई फ़िज़िकल फॉर्म तो नहीं है तो उसको ऐसा महसूस होगा शी विल नॉट बी एबल टू सी नेचर फिज़िकली विद हर ऐसा नहीं है कि जैसे किसी व्यक्ति को हम अपने सामने देख सकते हैं उस तरह से तो वो नहीं देख सकती नेचर को लूसी की बात यहाँ हो रही है पर शी विल फील द प्रेजेंस ऑफ नेचर अराउंड हर सेल्फ वो तो महसूस करेगी कि नेचर उसके आसपास ही है और वो किस फॉर्म में है एंड ओवर सींग पावर पावर एक शक्ति है तो नेचर कोर्स इज़ इज़ अ पावर प्रकृति में बहुत शक्ति है और वो कैसी शक्ति है ओवर सीन जो जो देखती रहेगी विल हुज बी लुकिंग आफ्टर लूसी जो उसकी देखभाल भी कर रही है एंड यू कैन से सुपरवाइजिंग ऑल्सो वो हमेशा देखती रहेगी वेदर वॉट वट एवर लूसी इज़ डूइंग और आगे हम पढ़ भी चुके हैं कि अगर वो कुछ गलत काम करती है शी इज़ डूइंग एनी रॉन्ग थिंग दैट नेचर विल चेक हर तो नेचर उसको रोकेगी और अच्छे कार्य को करने के लिए शी विल गिव हर मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट तो अच्छे काम को करने के के लिए वो प्रेरणा देगी वही आगे भी रिपीट हो रहा है ये आइडिया टू किंडल और रेस्टोरेंट किंडल मीन्स टू मोटिवेट और टू एनकरेज तो अच्छे कार्यों के लिए नेचर लूसी को प्रेरणा देगी और रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट चेक यानी रोकना तो इफ़

इसीलिए इस कविता का टाइट एक टाइटल द एजुकेशन ऑफ नेचर भी है तो हियर वी सी दैट द टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर आर एग्जिबिटेड दो रूप हैं नेचर के क्योंकि हम जानते हैं प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है प्रकृति ही सब कुछ है हमें जो खाने के लिए भी मिलता है दैट वी ऑल्सो गेट फ्रॉम नेचर बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ डिस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट ऑफ नेचर टू क्योंकि uh, एक क्योंकि जो पावर जिसकी शक्ति की बात हुई इस uh, स्टैंडा में तो वो शक्ति भी नेचर के अंदर है क्रिएटिव फोर्स भी है और डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी है तो दोनों आइडियाज़ को वस्वत एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अच्छे कार्य को करने की शक्ति और बुरे को रोकने की शक्ति दोनों ही नेचर में हैं तो हियर द नेसेसिटी इज़ टू कीप द बैलेंस तो जो मैसेज हमें वर्ष वर देना चाहते हैं वो ये है कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए और वी शुड रेस्ट्रेन आर सेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग इन रॉन्ग एंड ईविल थिंग्स गलत रास्ते पर रखने Uh, चलने से हमें खुद को रोकना चाहिए सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ नेचर क्योंकि फिजिकली तो नेचर एज एज वी नो कैन नॉट कम बिफोर अस हमारे सामने नहीं आ सकती बट दिस इज़ द नेचर दिस इज़ द मैसेज ऑफ़ द नेचर दैट वी शुड एसिमुलेट इन आवर सेल्फ जो हमें अपने में uh, हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए सो दिस इज़ देंजर नंबर टू आई होप आपको समझ आ गया होगा In the next video, we will discuss stanza number three. Thank you.